कौन सा शरीर हो, जिस शरीर में भी प्रवेश करेंगे उनका नाम ब्रह्मा रखेंगे। और ब्रह्मा को तूफान आ देंगे, मेरे को तो तूफान नहीं आ सकते, लेकिन जब तूफान आना इनको बंद होंगे तो इनका शरीर छूट जाएगा। शरीर छूट जाएगा मतलब उन्होंने स्थूल शरीर से समझ लिया कि स्थूल शरीर छूट जाएगा तो इनकी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। अरे स्थूल शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर भी तो है, कौन सा है? सूक्ष्म शरीर है। ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। तो सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म बंधन तो रह जाएगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर भी कोई ना कोई साकार शरीर में प्रवेश करता है, और साकार शरीर में प्रवेश करके हिसाब किताब पूरा करता है। तो बोला इनकी आत्मा शरीर छोड़ देगी। छोड़ देगी का मतलब कोई भी शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, कोई शरीर का आकर्षण इनकी आत्मा को खींचेगा नहीं। जब कोई भी शरीर समो प्रधान शरीर का आकर्षण इनकी आत्मा को नहीं खींचेगा तब ये पवित्र हो जाएगी। यहां फिर आत्मा रह न सके, यहां माना कहना इस पांच तत्वों की दुनिया में आत्मा पवित्र होने के बाद रह नहीं सकती, इनकी आत्मा भी नहीं रह सकती। और मैं जिस मुकर रथ में प्रवेश करता हूँ उनकी आत्मा भी इस पांच तत्वों की दुनिया में रहेगी नहीं। मन शरीर तो रहेगा लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा इस शरीर से उपराम हो जाएगी। तूफान तो बहुत आते हैं और इन बाबा को तो बहुत आते हैं, इनको तूफान आ देंगे, अनुभवी बनेगा तब तो बता सकेगा। बच्चों को बताना तो है ना, ये तो निश्चय है कि अब हमको घर जाना है। बाबा आया हुआ है घर ले जाने के लिए। गीता में अक्षर बड़े अच्छे हैं। बाप कहते हैं माँ एकम याद करो, क्या अक्षर अच्छा है अच्छे से अच्छा, माँ एकम नमस्कारो, मेरे को बुद्धि से याद कर, मेरे में बुद्धि लगा। शिव बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, क्यों बुद्धि लगा मेरे में, जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। एवर प्योर को याद करेंगे तो प्योर बन जाएंगे। कठिन ऐसे नहीं कह सकता है कैसे कि मैं एवर प्योर हूँ, मेरे को याद करेंगे तो पति से पावन बन जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी इसी दुनिया में कहीं न कहीं है। इस दुनिया में मैं आता हूँ तो प्रकृति के पांच तत्वों को अधीन करके आता हूँ, मैं पांच तत्वों के अधीन नहीं है तो होता हूँ। और जो भी शरीरधारी है वो सब अधीन हो जाते हैं, इसलिए
उन देहधारियों के आत्माओं के संग के रंग का दूसरों के ऊपर खराब असर पड़ता है और मेरी याद का कोई खराब असर नहीं पड़ सकता। तो ये कृष्ण भी ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे याद करो, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। क्यों, कृष्ण की बात क्यों उठाई? कृष्ण क्या कहते हैं कि मुझे याद करो? है वो संस्कृत की गीता में तो लिखा हुआ है कृष्ण भगवान वाच, तो कृष्ण भगवान वाच तो कृष्ण ने ही कहा ना, माने तुम याद करो। दुनिया में तो सब यही जानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, लेकिन असलियत तो बाबा बताते हैं कि कृष्ण की आत्मा भी देवात्मा है, राम की आत्मा भी देवात्मा है। ये देवात्माएं जो है वो पतिति भी बनती हैं और पावन भी बनती हैं। लेकिन फर्क क्या है राम और कृष्ण में? फर्क ये है कि कृष्ण की आत्मा में मैं टेम्परेरी रूप से प्रवेश करता हूँ और राम की आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ। इसलिए मुकर्रर रथ में मुझको याद करेंगे तो तुम पति से पावन बन जाओगे। ताकि ये कृष्ण नहीं कह सकता कि माँ देकर याद करो। क्यों, हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि कृष्ण की आत्मा का अंतिम चोला तो इस जन्म में छूट चुका, बीच में छूट गया, पति से पावन बने नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि मुझे याद करो। ये पतितों को पावन बनाने वाला हो नहीं सकता। इनकी बुद्धि में बैठा हूं, इनकी बुद्धि में, कृष्ण की बुद्धि में कि गीता का भगवान साकार में मैं ही हूं। इस शक्ति पर साकार में गीता का भगवान कौन? कृष्ण की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? कृष्ण की बुद्धि में यही बैठा हुआ कि इस शक्ति पर गीता का साकार भगवान मैं हूं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि अगर ये गीता का साकार भगवान हो तो गीता से स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए कि नरक की स्थापना होनी चाहिए? स्वर्ग की स्थापना होना चाहिए, लेकिन गीता से क्या स्थापन हुआ? नरक की स्थापना हुआ। जिस गीता पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है, गीता चैतन्य भी गीता जल भी, जड़ गीता पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई वो तो दुनिया जानती है, लेकिन चैतन्य गीता के बारे में कोई नहीं जानता। बाप बताते हैं कि जो गीता माता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सबसे अच्छा कंट्रोलर है, शास्त्र माने शासन करने वाली, उस गीता पर जब कृष्ण की छाप पड़ जाती है, चैतन्य गीता के दिल पर जब कृष्ण की छाप बैठ जाती है तो वो गीता भी पतितों को पावन बनाने के सहयोग नहीं कर सकती। उस गीता से भी स्वर्ग की जगह क्या स्थापन होता है? नरक स्थापन होता है। तो कृष्ण नहीं कह सकता कि मैं गीता का भगवान हूं और मेरे को याद करो तो तुम पतितों से पावन बनेंगे। निश्चय हो जाएगा कि बाप पढ़ाते हैं तो फिर ये तिक तिक नहीं करेंगे। कौन? ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं ना, बिजली चलती है तो बीच बीच में ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करके बोलती है, इंटरफियर करके बोलती है तो इनको इनकी एक तरह से टिक टिक हो जाती है, क्योंकि असली बात को तो ये जानते नहीं। जैसे राधा कृष्ण की बात आती है तो मुरलियों में जहाँ कहीं राधा कृष्ण की बात आएगी तो ये सत्युग के राधा कृष्ण को समझ लेंगे। बाबा सत्युग के राधा कृष्ण की बात कभी करते ही नहीं, वो तो उतरती कला का राधा कृष्ण है। बाबा कौन सी कला के राधा कृष्ण की बात करते हैं? जो संग में भी राधा कृष्ण है, जो उतरती कला के है उनकी बात करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा समझ लेते हैं अपने लिए, तो वो वहां की बात करते हैं। राधा कृष्ण इकट के पैदा होंगे, बाबा कहते हैं जब बाबा ये ब्रह्मा के बीच में इंटरफियर करते हैं, बाबा समझाते हैं नहीं, कृष्ण सूर्यवंश का, राधा चंद्रवंश की, तो बाबा होता ना तो बैठता नहीं कि ये क्या चक्कर है। क्यों,
क्योंकि जिसने जन्म दिया होगा, जिसकी आत्मा में जन्म देने के संस्कार होंगे, उन बच्चों की बुद्धि में तो जल्दी बैठ जाएगा संगम युग का राज। और जिन्होंने जन्म लिया है, जन्म देने के संस्कार ही नहीं है, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठने वाला नहीं है। इसलिए बोला कि जब इनको निश्चय हो जाएगा कि पढ़ाने वाला गीता का भगवान कृष्ण साकार में नहीं है, गीता का भगवान पढ़ाने वाला निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, और उसी ने ही यज्ञ के आदि में भी मुझे पढ़ाया था, ये पक्का हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये टिक टिक करना बंद कर देगा। अभी भी कृष्ण की सोल बीच बीच में इंटरफियर करके बोलती रहती, बेसिक नाली में भी बोलती रहती थी, और अभी भी कृष्ण की सोल टिक टिक करती है। बाद में जब असलियत को जान जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे टिक टिक करना, फिर कोई इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, उनके दिल में फिर तीर लग जाएगा। ये उनके कह करके दूर क्यों कर दिया है, ये है तो 67 की वाणी, 67 की कृष्ण के अंतिम जन्म, दादा लेखराज ब्रह्मा के चोले में प्रवेश होकर के शिव की वाणी चल रही है, तो उनके क्यों कह दिया। इसलिए कह दिया कि बाबा तो जानते थे कि ये कोई दूसरे चोले में आगे चलकर प्रवेश करेंगे तो चोला बदल जाएगा, इसलिए कह दिया उनके, ये टिक टिक नहीं करेंगे। फिर बोला उनके दिल में लग जाएगा और तीर लगेगा उनको, जिसने भक्ति बहुत की होगी। क्या जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको ज्ञान का तीर लगेगा, जिन्होंने भक्ति नहीं की होगी उनको ज्ञान का तीर लग नहीं सकता। टीचर तो एक ही है, परंतु समझने वालों में राजन का फर्क हो जाता है, कहां रंग कहां राव बन जाते हैं, बहुत फर्क हो जाता है। को साठ करके वर्षा पाना है और फादर को फॉलो करना है, क्या इस रूप में फॉलो दो प्रकार से किया जाता है, एक किया जाता है कर्मों में फॉलो और दूसरा किया जाता है आज्ञाओं को फॉलो, जो कहा सो किया, ये भी फॉलो करना है। तो मुरली में बताया दिया है ब्रह्मा को फॉलो करना है, परंतु बात मेरी मानना है, माने कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात डायरेक्शन मेरा मानना है, ये दोनों प्रकार का फॉलो करना थोड़ा अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि मैं बाप टीचर सदगुरु तीनों का पार्ट एक तन से बजाता हूं, वो तथा पिता ब्राह्मण क्या समझते हैं, कौन से तन से बजाता हूं, वो समझते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाते हैं, नहीं, अगर बाप का पार्ट दादा लेखराज के तन से बजाया होता तो सब बच्चों को वर्षा मिल जाना चाहिए, सुख शांति का वर्षा है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा है ना, मुक्ति माना दुख दर्दों से मुक्ति हो जाने हो जानी चाहिए, न दुख दर्दों से मुक्ति हुई और न शरीर रहते किसी को सदाकाल की शांति और सुख मिला, किसके द्वारा, दादा लेखराज की तरफ के द्वारा। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो माँ का पार्ट था, माँ से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा मिलता है बाप, जब माँ बाप की बात आती है तो चोला सामने आ जाता है, माँ का चोला अलग और बाप का चोला अलग,
ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ही चोले में माँ बाप दोनों हो। वो तो एक बात दिखाई दी है शास्त्रों में समझाने के लिए कि कृष्ण माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी शंकर में प्रवेश करती है चंद्रमा के लिए। बाकी ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल में माँ का पार्ट बजाया, नहीं, ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट और शंकर के द्वारा जगत पिता का पार्ट होता है। तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई को वर्षा मिलना साबित नहीं होता। वर्षा तभी ही मिल सकता है जब बच्चे परीक्षाओं में पास हो और नंबर वार पास होकर के नंबर वार वर्षा लेने लायक बने। तो बाप तरीका बताते हैं, फालो फादर फालो मदर। ब्रह्मा मदर के रूप में सहन शक्ति का जो पार्ट बजाया है प्रैक्टिकल में, उसको प्रैक्टिकल कर्म के रूप में फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए वैसे तुम कर्मों में तुम फॉलो करो। बाकी बात मेरी मानो जो बाप का पार्ट है, सदगुरु का पार्ट है, उस सदगुरु के पार्ट को ये लकब मिला हुआ है कि मेरी बात तुम मानो लेकिन मेरे कर्मों को फॉलो मत करो। अलग से भी बता दिया कि शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी समझते हैं कि गुरु जो कहे सो करना है, लेकिन गुरु जो करता है सो नहीं करना है, क्योंकि सदगुरु में तो ताकत है सच्चाई की और हम तो इसे झूठ खंड में पल रहे हैं। झूठ खंड की दुनिया में हमने जन्म लिया है, इसलिए हम इस काबिल नहीं हो सकते अभी कि हम कर्मों में सदगुरु को फॉलो कर सकें। बाकी श्वास पर कोई भरोसा नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर लेनी चाहिए। क्या अविनाशी ज्ञान रत्न विनाशी मुख दे सकता है या अविनाशी मुख से मिल सकता है? अविनाशी रथ से अविनाशी ज्ञान मिलता है और विनाशी रथ से अविनाशी ज्ञान नहीं मिल सकता। अल्पकाल का ज्ञान मिल सकता है, अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है, कम जन्मों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदाकाल की प्राप्ति 84 जन्म की नहीं हो सकती। तो बताया इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर लेनी चाहिए। जो अविनाशी ज्ञान रत्न मैं अविनाशी रथ के द्वारा आकर के देता हूँ, मुकर रथ है ना, परंतु माया मुंह फिराई देती। क्या माया क्या करती है? तुम कहते हो कि मुकर रथ में बाप आया हुआ है, वो मुकर रथ अंत तक काम करेगा जब तक 100 वर्ष का संगम नहीं हुआ, और माया क्या करती है? वो तो मुकर रथ के पार से तुम्हारा मुंह फिरा देती है, उल्टा मुंह कर देती है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझ लो जरूर माया के बन गए। पहचान क्या है कि कौन के ऊपर माया कार्य कर रही है और कौन माया से मुक्त है? क्या पहचान बताइए? जो सर्विस में लगे हुए हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, तो माया से मुक्त रहते हैं। क्यों? जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं वो माया से मुक्त क्यों रहते हैं? कोई कारण होगा? नहीं, कारण ये है सर्वे से उन बच्चों को बाप याद करते हैं। क्या? तो जिन सबसे उन बच्चों को बाप याद करते हैं, तीसरे नेत्र की दृष्टि देते हैं, उन बच्चों का माया बाल बांका भी नहीं कर सकते। और जो सर्विस फील्ड पर नहीं रहते हैं उनको उनकी याद थोड़ी बाप को याद आती, तो उनकी याद भी नहीं आती, तो माया उनके ऊपर अच्छी तरह हावी हो जाती है। तो माया से बचना है,
क्या तरीका बताया माया से बचने का? इसलिए सेवा में हर समय बिजी बने रहो। चलो लौकिक धंधा डोरी भी करते हो तो कम से कम बाबा को याद तो कर सकते हो। अगर याद भी करते रहेंगे तो भी वायुमंडल सुधारने की सेवा करेंगे ना, तो वायुमंडल सुधारने की सेवा होगी, उस सेवा से भी बाप बहुत खुश होगा। देखो ये बच्चा काम करते कर्म करते भी मेरे को याद करता है, वायुमंडल सुधारता है। तो माया से बहुत बचना है, नहीं तो माया के मुरीद बन जाते हैं। कितने परसेंट माया की तरफ है क्या? कितने परसेंट बच्चे माया की तरफ है और कितने परसेंट बच्चे मेरी तरफ है? कितने राम संप्रदाय है और कितने रावण संप्रदाय है? जो सर्विस में लगे हुए हैं वो मेरे बच्चे हैं, राम संप्रदाय है, और जो सर्विस नहीं करते हैं वो सब रावण संप्रदाय है। बाबा सब देखते रहते हैं कौन माया की मुरीद बन गए हैं और कौन बाप की मुरीद है। बच्चों को खुद भी देखना चाहिए, खुद को भी परखना चाहिए कि हम इस समय माया के मुरीद हैं या बाप की मुरीद है। बाप के पीछे मरते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगली रात्रि क्लास है 6 अप्रैल 1967 की। इस दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली बच्चे तुम हो। तुम माने कौन से तुम? सन्मुख बैठे हुए तुम उनको कहा जाता है जो सन्मुख बैठते हैं। सन्मुख में भी दो प्रकार के होते हैं, एक मुख के सामने बैठे हुए देखने में आते हैं कि ये मुख के सामने बैठे हैं, मुख के माना मुकर्रर रथ के मुख के सामने बैठे हैं तो देखने में तो आते हैं कि मुख के सामने बैठे हैं, लेकिन अगर अंदर से संकल्प दुष्ट चलते हो तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? तब तो विमुख हो गए, तो वो तो उस दृष्टि से निकल जाते हैं। चलो मन के अंदर विमुख संकल्प भी नहीं आते, लेकिन पीछे से कभी न कभी खुदा न खास्ता माया की चक्करी में आने के कारण वाचा से सदगुरु की या बाप की ग्लानि करने के निमित्त बन जाते हैं। तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? तो भी विमुख हो गए। चलो वाचा से भी ग्लानि नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई कर्म ऐसे कर देते हैं जिन कर्मों को देख करके लोगों को संशय पड़ जाता है, ये कैसे भगवान के बच्चे? मुख से तो कहते हैं कुछ और प्रैक्टिकल में करते हैं कुछ और, तो लोगों को विश्वास नहीं बैठता। मुख से कहते हैं बिना सामने खड़ा है, मारा माली की दुनिया सामने खड़ी हुई है, और कर्म में क्या करते हैं? झांझ बजाते हैं, मदन बजाते हैं, गीत बजाते हैं, मदिरा बजाते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं। तो वाचा और कर्मणा एक है, ये अंतर है, अंतर हो गया ना। बाबा तो मुरली में बताई दिए, क्या बताया कि ये टैप रिकॉर्डर जो है वो सेवा करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि बाप की एक्यूरेट वाणी सुनाता है। अरे बाप ने इशारा दिया कि टैप रिकॉर्डर या टीवी वगैरह अगर रखना हो तो किस लिए रखना है? बाप की वाणी सुनाने के लिए रखना है। लेकिन वाणी सुनाने के लिए नहीं रख करके किस लिए यूज किया? तथाकथित ब्राह्मणों ने किस लिए यूज किया? बाप की वाणी सुनाने के लिए यूज किया
बाप की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया या ढोल वगैरह और गीत और डांस करने के लिए यूज किया? डांस करने के लिए यूज किया। तो दुनिया की बुद्धि में ये बैठेगा कि भगवान आया हुआ है और दुनिया का बिना सामने खड़ा है? नहीं बैठेगा। तो कर्मणा से विपरीत बुद्धि हुए या सन्मुख हुए बुद्धि हो गए तो ऐसे विपरीत बुद्धि को मैं नहीं सुनाता हूँ क्या? ऐसे विपरीत बुद्धि बच्चों को नहीं कहता हूँ कि तुम सबसे भाग्यशाली हो। कौन भाग्यशाली है? जो सर्विस करते हो, डिससर्विस करते हो, सन्मुख रहते हो, सन्मुख होकर के वाणी सुनते हो, विपरीत बुद्धि होकर के वाणी न सुनते हो, ऐसे बच्चों को, सौभाग्यशाली बच्चों को मैं विश्व की बादशाही देता हूँ। सदाकाल सर्विस में लगे रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे या नीच पद पाएंगे? उच्च पद पाएंगे। और उच्च पद अगले जन्म में पाएंगे या इसी जन्म में पाएंगे? इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसी जन्म में उच्च पद भी पाएंगे। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं या भगत लोग क्या समझते हैं दुनिया के? इस जन्म में हम पुरुषार्थ करेंगे, अगले जन्म में कहीं प्राप्ति होगी। वो ये नहीं समझते कि पढ़ाई हम यहाँ पढ़ते हैं तो इसी जगह से प्राप्ति करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि वकालत हम यहाँ पढ़े और बुद्धि में ये बात बनी रहे कि अगले जन्म में हम बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे थोड़ा ही होता है। डॉक्टरी यहाँ पढ़ेंगे तो यही हमको सर्जन बनना है, अगले जन्म में सर्जन बनना है, ऐसे तो कोई नहीं बनेगा। तो ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे तुम हो जिनको विश्व की बात सही है। ऐसे सबसे उन बच्चों को जो माया के प्रभाव में नहीं आते हैं, सबसे बोले हैं, उनको विश्व की बात सही मिल जाती है। परंतु इन बातों को कोटों में कोई है जो जानते हैं क्या? पुरुषार्थ करने वाले करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उन करोड़ों बच्चों में कोई कोई इन बुरी बातों को जानते हैं और बाकी तो जानते ही नहीं। कृष्ण होता तो सब जट जान लेते क्या? क्या जान लेते? कृष्ण तो इस दुनिया में मौजूद है नहीं, कृष्ण तो नई दुनिया में ही मौजूद होगा। कृष्ण तो देखने में कितना सुंदर होगा। पांच तत्वों का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना हुआ पुतला संसार में तैयार होगा वो कौन सा होगा? पहला पत्ता कौन? सत्व प्रधान सृष्टि का जश्न। तो उसे देख करके तो सबको निश्चय बैठ जाएगा, लेकिन मैं तो दादाओं से नहीं आता हूँ। कृष्ण के सजे सजाए सौंदर्यवान चोले में तो मैं आता नहीं हूँ। मैं किस में आता हूँ? मैं तो साधन संग में आता हूँ। तो कोई भी पहचान नहीं सकता। बाकी कृष्ण तो नाम ही ग्रामी है क्या? संग भी कृष्ण भी जब इस सृष्टि पर प्रसिद्ध हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो सारी दुनिया में नाम ग्रामी हो जाएगा। अभी तो किसी की बुद्धि में ये बात है ही नहीं कि संगम भी कृष्ण अलग और सत्युग का कृष्ण अलग। अब ये खुद कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं, मैं साधारण तन में आता हूं इसलिए मुझे जाते हैं। अगर साधारण तन में ना आया हुआ होता तो सब कोई जान लेते। असाधारण स्तर में आने के कारण, क्योंकि असाधारण स्तर में जो आएगा तो कर्म भी असाधारण करेगा, और साधारण स्तर में आता हूँ तो कर्म भी साधारण करता हूँ। तो कोई समझ नहीं सकते। कहते भी है कि बादशाही मिलती है,
फिर भी वो नशा नहीं करता है। कौन सा? जैसे डॉक्टरी की वकालत की कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो नशा करा हुआ होता है ना, कि हम वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, जज बनेंगे, हम सर्जन बनेंगे। अब अगले साल ही हम पास होकर के सर्जन बनने वाले हैं, तो नशा होता है ना। और यहाँ विश्व की बात क्या है कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह नशा ही नहीं करता। क्यों नहीं करता है? नहीं, उस समय की बात संसद की तो इसलिए है कि उस समय पढ़ाई ही अधूरी थी, बेसिक नॉलेज की तो वहां। जब अधूरी नॉलेज है तो नशा चढ़ी नहीं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भले कई साल पढ़ने के बाद में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेगा, तो प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ेगा तो उसको नशा होगा कि हम सर्जन बनेंगे, हम बैरिस्टर बनेंगे? उस समय तो नशा नहीं चलेगा। तो बोला यहाँ नशा ही नहीं करता। अच्छा, बाकी बात छोड़ दो, एडवांस नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में तो नशा करना चाहिए। यहाँ तो एडवांस में जो चलते हैं उनकी सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यही हम पढ़ाई पढ़ते हैं और यही हम पढ़ाई की प्रारंभ विश्व की बातचारी हम ले रहे। राजयोग यहाँ हम सीखते हैं तो हम राजाई इसी दुनिया में ले रहेंगे, फिर नशा क्यों नहीं करता? राजाई का नशा करना चाहिए ना, कि हम बैगर टू प्रिंस बनने वाले। फिर जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई पर उतना तवज्जा नहीं देते हैं जितनी गहराई से ज्ञान को धारण करना चाहिए, जितनी लगन से पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पंक्चुअल और रेगुलर होकर के उस रूप में पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। तो ज्ञान की गहरी बातें बुद्धि में बैठती नहीं, इसलिए बोलते हैं कि कोटों में कोई जानते हैं, नशा नहीं करता। तदबीर कराने वाले बाप तो राजयोग सिखाए रहे हैं, तदबीर बताए भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, फिर भी नशा नहीं करता। तो सोचते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या कर सकते हैं? ये क्या बात है? अरे, तकदीर को बनाने वाला, तदबीर सिखाने वाला बाप आया हुआ है ना, तो तकदीर में क्यों नहीं है? तकदीर कहां से आती है? तकदीर आती है पूर्व जन्म से, त्रेसठ जन्मों में जैसे जैसे जितने कर्म किए हैं वैसी वैसी उसकी तकदीर बनती है। त्रेसठ जन्मों में अगर अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं तो वो बाप की नाली लेंगे नहीं लेंगे? जिन्होंने त्रेसठ जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे वही बाप की नाली से पूरी गहराई से उठा लेंगे और नंबर वार विश्व के मालिक बने। तो बाप सोच लेते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, इसलिए ये तवज्जो नहीं देते। कहते भी है, मैं जो हूं और जैसा भी हूं। बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं और जिस रूप में पायल बजाए रहा हूं उसको कोई बिरले ही जानते, नहीं तो सब जान ही नहीं सकते। वो कृष्ण तो ऐसा कह नहीं सकता कि मैं जो हूं जैसा हूं जिस रूप में पायल बजाए रहा हूं, ये तो गुप्त है। अल्लाह बल्दीन चमड़ा कोश में आया हुआ है। क्या जो अव्वल नंबर का धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म, उसको स्थापन करने वाला अव्वल नंबर का धर्म पिता किसमें आया हुआ है?
चमड़ा कोष में आया, चमड़ा कोष किसी का आ जाता है चमार को, किसमें आया हुआ है, पतित में आया हुआ है, पावन में आया हुआ है, पतित में आया हुआ है, चमड़ा कोष में आया हुआ है, तो कोई समझ नहीं सकते, खुदा आप ही चमड़े के कोष में नहीं आते हैं क्या, आते ही नहीं आते हैं, उनको कोई शौक नहीं है कि मैं इस पतित तन में आऊं, फिर क्यों आते हैं, ये चमड़ी है ना जिसमें आता हो, ये चमड़ा कोष है ना, तुम कब आत्मा चमड़ी में आती हो, और मैं भी चमड़ा कोष में आता हूँ, तो ऊंच से ऊंच बाप है उनसे पढ़कर के ऊंच पद पाना चाहिए, ऊंच पद पाने वाले उनकी निशानी क्या होगी, जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनकी निशानी होगी वो सर्विस का शो करेंगे, सिर्फ सर्विस नहीं करेंगे, सर्विस का दिखावा नहीं करेंगे, ज्ञानामत पत्रिका वगैरह छपा के, फोटो वोटो छपा के कि देखो हमने इतनी सर्विस की, लेकिन सर्विस का शो का मतलब ये है कि उनकी सर्विस की सफलता दिखाई देगी, वो जो भी सर्विस करेंगे, जिन आत्माओं की सेवा करेंगे वो आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंच जाएंगी, तो सर्विस का शो करेंगे, रात दिन सर्विस, सर्विस में दूसरों को रास्ता बताते रहना, बाप आया हुआ है तो दूसरों को रास्ता भी बताना है, बाप कहते हैं अब कोई अगला जन्म नहीं मिलेगा को साथ करने का, ये अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में जो भी जितना भी पुरुषार्थ करना हो वो अभी कर लो, क्या फिर कोई अगला जन्म मिलने वाला नहीं है, अभी तुम बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे सारे विकल्प विनाश हो जाएंगे, अभी योग में रहेंगे इस जन्म में, अगले जन्म में योग लगाने, योग लगाने की बात नहीं आती है, कब बोला ये बात, कब बोली, अभी तुम बच्चे योग में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म भस्म होंगे, अगले जन्म में पाप कर्म भस्म होने की बात नहीं है, और बोला किसको, तुम बच्चों को बोला, माना जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं ना उन बच्चों को बोला, इनसे नहीं बोला, क्यों, क्यों इनको तो शरीर छोड़ करके फिर भी जो सूक्ष्म शरीर का जन्म मिलता है उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाना है, इसलिए तुम बच्चों के लिए बोला कि योग में रहो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे, क्योंकि तुम्हारा ये अंतिम चोला है 84वें जन्म का, इसके बाद फिर तुम्हारा कोई नया चोला इस दुनिया में इस कल्प में होने वाला नहीं है, औरों को भी रास्ता बता दे, जालंधर वाले सदगुरु दयाल को भी शौक है सर्विस का, मिसाल दिया जालंधर का सदगुरु दयाल उस सर्विस का बहुत शौकीन है, क्या नाम क्या रखा उसका, सदगुरु दयालु, कैसा गुरु, सच्चा गुरु है और दयालु गुरु है, और है कहाँ का, जालंधर, जालंधर का मतलब क्या हुआ, जन्म माने ज्ञान जल, धर्म माने धारण करने वाला, जिसने ज्ञान जल को पूरा पूरा धारण कर लिया है, ऐसा जालंधर का हद का सदगुरु दयाल की बात कर रहे थे, लेकिन इशारा कहाँ की दे दिया, जो बेहद का सदगुरु दयालु है उसकी तरफ इशारा किया, इसको भी बहुत शौक है, भी क्यों लगा दिया,
मैंने और भी बच्चे हैं, ये अकेला नहीं है, और भी बच्चे हैं जिनको ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक है। एरोप्लेन में इस बच्चे ने पर्चे गिराए, क्या हद का एरोप्लेन और बेहद का एरोप्लेन कौन सा होता है? बेहद का एरोप्लेन है आत्मा, आत्मा रॉकेट है ना, आत्मा एरोप्लेन भी है, बहुत ऊंची स्टेज में उड़ता है। तो बोला एरोप्लेन से बच्चे पर्चे गिराए हैं, अगर समझो एरोप्लेन से गिराने का खर्चा भी लेते हैं तो 1000 रुपया दिल्ली, 1000 रुपया कलकत्ता, 1000 रुपया बॉम्बे में बाबा देने के लिए तैयार है। क्या जो अलग अलग सेंटर हैं उन सेंटर से बाबा देने के लिए तैयार है अगर कोई ऐसी सेवा करे तो। पर्चे भी फिर बहुत छपाने पड़ेंगे, तो उस समय की बात बताई कि 3-4 हजार में काम चल जाएगा, अभी तो कम से कम 30-40 हजार लेगा कौन, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर कम से कम कितने रुपए लेगा, अभी 30-40 हजार रुपया लेगा। तो पर्चे बहुत छपाने पड़ेंगे, बाबा इतना खर्चा देने के लिए तैयार है। मद्रास में भी हो सकता है, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ते, यहाँ तो हो ही सकता है, लेकिन मद्रास में भी हो सकता है। जो जो कोई को प्राप्त कर सकते हैं तो उन बच्चों को पर्चे गिराने की कोशिश करनी चाहिए, और पर्चे भी ऐसे छपवाने पड़ेंगे, अखबार का एक पेज होता है इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े पर्चे, और फिर सभी भाषाओं में छपवाने पड़े। क्या चारों शहर कवर कर लिए, तो चारों शहरों में सेवा करने के लिए बंगाली में भी हो, मराठी में भी हो, तो तमिलिया तमिल भाषा में भी हो, हिंदी में भी हो, सभी भाषाओं में हो, भले 10,000-20,000 भी खर्चा हो जाए तो बाबा देने के लिए तैयार है। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोई बड़ा आदमी हाथ में हो तो उनका तो सब पर जोर चलता है, बड़े आदमी को हाथ कर लेंगे तो एरोप्लेन वालों को भी उनकी बात माननी पड़ेगी, सबको मालूम पड़ जाए। जो जो पॉइंट्स हैं गीता के भगवान की, वो सारी गीता की भगवान की पॉइंट सबकी बुद्धि में बैठ जाए। क्या क्या पॉइंट्स हैं गीता की भगवान की, एक तो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट दिखाना है बच्चों को, ये भक्ति मार्ग की गीता, ये ज्ञान मार्ग की गीता। क्या कंट्रास्ट दिखा देंगे, भक्ति मार्ग की गीता और ब्राह्मणों ने तो चौपड़ी दिखा दी, और ज्ञान मार्ग की गीता क्या दिखाई है, उन्होंने चौपड़ी दिखा दी तो उसमें कृष्ण का चित्र बनाई दिया, और ज्ञान मार्ग की गीता दिखाई उसमें शिव का गोल बिंदु वाला चित्र दिखाई दिया निराकार, लेकिन इससे तो बात हल होती नहीं। क्यों, क्योंकि जड़ गीता या जड़ भगवान वो संसार का कल्याण नहीं कर सकता, आत्मा जब तक शरीर धारण न करे तब तक वो किसी का कल्याण नहीं कर सकती, तो चाहे सुप्रीम सोल हो चाहे कोई दूसरी सोल हो, तो सुप्रीम सोल बाप जरूर कोई मुकर्रत में प्रवेश करके गीता का भगवान बनता है, और जिस गीता का भगवान बनता है, गीता पति बनता है,
वो गीता भी तो गीता माता चैतन्य में होनी चाहिए ना, तो वो चित्र तुम बच्चे छपाओ। क्या ये है झूठी गीता, चित्र डालो। और ये है सच्ची गीता, चित्र डाल दो। किसका? चैतन्य गीता का चित्र डाल दो। ये सच्ची गीता और ये झूठी गीता। इस गीता पर कृष्ण की छाप है, इस गीता के दिल में कृष्ण की छाप, और सच्ची गीता के दिल में शिवशंकर भोलेनाथ की छाप। अब जज करो कौन सी गीता दुनिया का कल्याण कर सकती है, क्योंकि गीता तो सब धर्मों का माई बाप है। तो कौन सी गीता सब धर्मों का कल्याण करेगी, जिसमें साकार कृष्ण का छपाई है वो करेगी, या जिसमें निराकार वो करेगा? जरूर सारी दुनिया के धर्म वाले जो है वो साकार कृष्ण को तो नहीं मानेंगे। वो किसको मानेंगे? वो निराकार स्टेज वाले को मानेंगे। क्यों? क्योंकि सब धर्म वाले जानते हैं कि हमारे धर्म के का भले स्वर्ग स्थापन करने वाले नहीं थे, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, भले उन्होंने स्वर्ग स्थापन नहीं किया, लेकिन फिर भी सब निराकार स्टेज वाले थे। जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब सब निराकार स्टेज वाले, उनके चेहरे मोहरे को देखने से पता चलता है कि जैसे उनकी आत्मा परम नाम में रखती हुई निराकार स्टेज वाली। तो जो बापों का भी बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है, वो गीता का भगवान के नाम निराकार स्टेज वाला होगा, और चित्रों में भी उसकी निराकार स्टेज उसकी यादगार अभी भी दिखाई जाती है। क्या निराकार माना? निराकार का मतलब बिंदु नहीं, निराकार का मतलब है बिंदु रूप स्टेज। क्या? वो वाइब्रेशन जो है उसके निराकारी बनाने वाले होंगे। होते हैं किसी के संग के रंग में आने से क्या होता है, हमारे गंदे संकल्प चल पड़ते हैं, और कोई के संग के रंग में आने से अच्छे संकल्प चल पड़ते हैं। जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी के पीछे लोग बड़ी ग्लानी कोई कोई करते थे, और जब वो सन्मुख आकर के भाषण देते थे तो सब उनके अनुकूल हो जाते थे। तो ये वाइब्रेशन का कमाल है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, मनसा की, वाचा की, या कर्मेंद्रिय होगी? मनसा। सबसे बड़ी पावर है मनसा की, वाइब्रेशन की। तो बोला जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वो सब पर्चों में डालनी चाहिए कि गीता पतित पावनी है, जिस गीता पर शिव की, शिव शंकर भोलेनाथ निराकार की छाप है, वो गीता पतित पावनी है। और गंगा भी कौन सी पतित पावनी है? ज्ञान गंगा पतित पावनी है, लेकिन कौन सी गंगा पतित पावनी है? जो भगवान के कनेक्शन में है वो गीता पतित पावनी है, और जिसका भगवान से कोई कनेक्शन ही नहीं वो गंगा पतित पावनी नहीं हो सकती। नदियों का कनेक्शन अगर सागर से नहीं है तो नदियां पतित पावन नहीं हो सकती। नदी तभी पतित पावनी बनती है जब सागर से उसका पूरा कनेक्शन। तो ये पॉइंट भी डालना चाहिए कि गंगा पतित पावनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस गंगा का पतित पावन बाप से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसी ऐसी जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वो सब डालने चाहिए। नदियों का कनेक्शन अगर सागर से नहीं है तो वो नदी नहीं है, क्या है? नाला है, गंध है, संसार की गंध उसमें पड़ेगी, वो संसार का कल्याण नहीं कर सकती। अगर सागर से कनेक्शन जुटा हुआ है, सागर से संबंध जुटा हुआ है, तो वो नदी भी क्या बन जाती है?
पति से पावर ही मिल जाती है। तो ऐसे ऐसे मुख्य मुख्य पॉइंट सब डालो। बाबा कहते हैं ये सात पॉइंट तैयार रखो। क्या ये सारे पॉइंट तैयार रखो, पता नहीं कब मौका आ जावे। जब मान लेवे तो करना भी चाहिए ना, सीढ़ी का भी भल चित्र आ जावे। बाबा को खर्चा करने में कोई हर्जा नहीं, प्रदर्शनी 7-8 हजार रुपया खर्चा खा करके की जाती है। यहां भी इतना खर्चा होगा तो कोई हर्जा नहीं। ये झिंडोरा पिट जाए तो तुम्हारा नाम कितना बाला हो जाएगा। क्या ये सच्ची गीता से सदगति और झूठी गीता से दुर्गति। पतित पावनी गंगा जिसका भगवान से कनेक्शन हो उसके सदगति, और जिसका भगवान से कनेक्शन नहीं उस गंगा से दुर्गति। तुम अपनी बात का ही स्थापन कर रहे हो ना। जालंधर वालों ने कमाल की है। क्या किसने कमाल की है? जालंधर वालों का अर्थ क्या बताया? जो ज्ञान जल को धारण करने वाले एडवांस पार्टी वाले हैं उन्होंने कमाल की है। जिन्होंने ज्ञान सुना दो वर्षों, क्या कराची से मुरली निकलती चली आ रही है और सन 68 तक मुरली चलती रही, लेकिन सुना लेकिन धारण नहीं किया, उसको समझा नहीं। उनकी बात नहीं कर रहे, इनकी बात कर रहे हैं, जालंधर वालों की बात कर रहे हैं। जालंधर वालों ने ज्ञान जल को अच्छी तरह से धारण किया, उनको देख करके औरों को भी सीख रहे हैं। क्या जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो तो हैं सूर्यवंशी, वो तो 84 जन्म की बात सही लेने वाले हैं, 84 जन्म की प्राप्ति करने वाले हैं, 16 कलर संपूर्ण बनने वाले हैं। पहले वो बनेंगे, फिर उनको देख करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी बनेंगे। वो बाद में बनेंगे तो कम प्राप्ति करेंगे, जो पहले बनेंगे वो ज्यादा प्राप्ति करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी है, जो करेंगे और जितना पुण्य का काम करेंगे तो कितनों की आशीर्वाद मिलेगी। सदगुरु दयाल को कितनों की आशीर्वाद मिलेगी। क्या अगर गीता का भगवान प्रसिद्ध हो जावे, प्रत्यक्ष हो जावे संसार के सामने, या ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जावे, तो जितने ब्राह्मण अंदर अंदर घुट रहे हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उन सब की दुआएं उनको मिल जाएंगी, पैसे भी सारे सफल हो जाएंगे। बुद्धि अच्छी है ना, ये भी सर्विस की युक्ति है और नाम भी अच्छा रखा हुआ है इसका। नाम किस आधार पर रखा जाता है? काम के आधार पर नाम रखा जाता है। नाम क्या रखा हो? क्या नाम बताया अभी? अरे भूले, नाम जालंधर भी रखा हुआ है और नाम जालंधर का कौन? सदगुरु दयाल। नाम भी अच्छा रखा हुआ है तो ये सर्विस की युक्ति हुई ना। पहले पहले गीता का भगवान कौन, इस बात पर समझाने के लिए यही बात है समझाने की। बेसिक नॉलेज में भी यही बात समझाओ और एडवांस नॉलेज लेने वालों को भी यही बात समझाओ। क्या भगवान सच्ची गीता से स्वर्ग सदगति और झूठी गीता से नरक अर्थात
दुर्गति। सच्ची गीता वो जड़ नहीं जो जड़ प्रदर्शनी के चित्रों में दिखा देते हैं। कौन सी गीता है? सच्ची गीता से एक सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है, और झूठी गीता से 2,500 साल में दुनिया नरक बन जाती है, स्वर्ग से नरक बन जाती है। तो चित्र दिखाना पड़े किसका? सच्ची गीता का चित्र दिखाना पड़े और झूठी गीता का भी चित्र दिखाना पड़े। ये झूठी गीता है नरक बनाने वाली, ये सच्ची गीता है, एक सेकंड में स्वर्ग बनाने वाली। ब्रह्मा को क्या बनाने वाली? विष्णु बनाने। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड लगता है। लेकिन निमित्त कौन बनता है? अच्छा बाबा तो निमित्त बनता है, वो सदगुरु दयालु तो निमित्त बनेगा, लेकिन बीच में किसको रखता है? माता को रखता है ना। तो माता कौन है? वो माता कौन जो एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बनाई देती है? जगत की अम्बा सब धर्मों की अम्बा है या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की अम्बा है? है सब धर्मों की अम्बा है। तो सब धर्मों की जो अम्बा होगी उसमें सब धर्मों के गुण अवगुण समाये हुए होंगे या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के गुण अवगुण समाये हुए होंगे? सभी धर्मों के समय। तो सब धर्मों का दूसरे जो दूसरे धर्म है जो देवी देवता सनातन धर्म के विपरीत है उनका मुख्य अवगुण कौन सा है? अरे दूसरे धर्मों का मुख्य अवगुण कौन सा है जिससे दुनिया नरक बन जाती है? व्यभिचार। जो दूसरे धर्म है वो सब है व्यभिचार फैलाने वाले। भले बाईं ओर के धर्म ज्यादा व्यभिचार फैलाने वाले लेकिन दाईं ओर के धर्म उनके प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए वो भी व्यभिचारी हुए। तो जितने भी दूसरे धर्म और धर्म पिताएं हैं वो सब निमित्त बन गए, और धर्म पिताएं ही जब व्यभिचारी तो उनकी धर्म की जो माताएं होंगी वो भी व्यभिचारी। वो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है जिसे व्यभिचार कहा जाता है। दरवाजा नरक का दरवाजा कौन कौन सा? व्यभिचार है नरक का दरवाजा और अव्यभिचार है स्वर्ग का दरवाजा। तो कोई तो माता होगी निमित्त। इतनी बड़ी दुनिया है 500-700 करोड़ की, उन्हें पुरुषार्थ करने वाले इतने ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, उन ब्राह्मणियों में कोई तो माता होगी जो स्वर्ग की निमित्त होगी। व्यभिचारी दुनिया में नहीं जाने वाली होगी। कौन है? वेदांति जिसके दिल पर किसकी छाप हो? शंकर भोलेनाथ की छाप होनी चाहिए। कृष्ण भगवान गीता का भगवान है, वो छाप नहीं होनी चाहिए। अरे आजकल दुनिया में चुनाव तो बहुत हो रहा है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिता में टाइटल दिया जाता है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, वही एक ही बात। मिस वर्ल्ड माने मिस यूनिवर्स। तो जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वो तो वही जगदम्बा, और मिस इंडिया, मिस इंडिया कौन हुआ? मिस इंडिया वही होगी जिसके द्वारा निमित्त बनने से ब्रह्मा सो एक सेकंड में विष्णु बन जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है विजय माला का आवाहन करो, इसका आवाहन करो। विजय माला का आवाहन, विजय माला का आवाहन कैसे होगा? उसके लिए तो बोला है एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झुंड जाएगा। तो सारे झुंड का आवाहन करें, यह सारे झुंड का जो मुखिया है रानी मक्खी उसे एक का ही आवाहन कर ले तो सारे पीछे पीछे आ जाएंगे। इसका आवाहन करें
रानी मक्खी एक का ही आह्वान कर ले तो सारे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो कंट्रास्ट दिखा लो, ये सच्ची गीता और ये झूठी गीता है। तो पहले पहले गीता का भगवान कौन, इस बात पर समझाएंगे। गीता का भगवान कौन, क्या यज्ञ के आदि में भी स्वर्ग का सैंपल तो बना था, वो डुप्लीकेट सैंपल बना था या सच्चा तो नहीं स्थापन हुआ था यज्ञ के आदि में? डुप्लीकेट बना था या ओरिजिनल स्वर्ग बना था? डुप्लीकेट स्वर्ग बना था। तो डुप्लीकेट दुनिया आज जो दिखाई पड़ रही है, दहलवाड़ियां अटारियां, अमेरिका में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, तो वो है डुप्लीकेट स्वर्ग। क्या वो असली स्वर्ग नहीं है? वो डुप्लीकेट स्वर्ग है, उसको बनाने के निमित्त बनती है झूठी गीता। देखने में कुछ और अंदर से कुछ और सच्ची गीता, सच्ची गीता में दिखावा कुछ भी नहीं होता, सेवा ही सेवा, डिसर्विस का नाम निशान नहीं। तो पहले पहले गीता पर समझानी देनी है। भगवान सबका बाप है, क्या भगवान सबका बाप है? राक्षसों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। क्या गीता सबका माई बाप है? लेकिन गीता है उम्मीद दो, एक गीता के ऊपर कृष्ण की छाप, एक गीता के ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ निराकार की छाप। तो गीता भी सबका माई बाप है, तो क्या करना है? प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर, ये सब युक्तियां तो की, अब ये काम करो। भगवान कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। क्या मुझे भी याद करो, 84 के चक्कर को भी याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 84 के चक्कर को याद करो, अगर 83 के चक्कर को याद करें तो बेड़ा पार नहीं होगा। 63 जन्म के चक्कर को याद कर ले तो बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं 84 के चक्कर को याद करो। तुम बच्चे खिलवैया बन करके कितनों की नैया पार करते हो। ये धंधा अच्छा है, ईश्वरीय सेवा का धंधा बहुत अच्छा है, और वो दुनिया भी धंधा, तो कहीं तो बता दिया सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। कोई बच्चे सोचते हैं कि हम ईश्वरी धंधा ही करते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे। बाप कहते हैं कि मेरे धंधे में कोई जोखिम नहीं है, जो मेरे बच्चे हैं सब से बोल वो कभी भूख मर ही नहीं सकते, गारंटी देते हैं। तुम ये धंधा करके तो देखो, तुम तो अनगिनत धनवान बनते हो। क्या अनगिनत धनवान बनते हो? भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर जी की जो पूजा करते हैं तो शंकर जी की तरह भिखारी बन जाते हैं। यहाँ भी बुद्धि में आता है कि हम ये धंधा छोड़ देंगे दुनिया भी और सिर्फ ईश्वरी धंधे में ही लग जा रहे हैं तो हमारा क्या हाल होगा, क्या बन जा रहे हैं? बाप तो आया ही हुआ है बैगर टू प्रिंस बनाने के लिए, तो जब तक बैगर नहीं बनेंगे फुल दुनियावी हिसाब से तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। निकाल के रख दिया, वो गवर्नमेंट होती है
वो तो बार बार प्लानिंग करती रहती है क्या पंचवर्षीय योजना की। अब ये इसलिए गवर्नमेंट तो